राज्य में 1,00,000 किसानों ने किया सुसाइड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने शुक्रवार 12 अप्रैल को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 1,00,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। किसानों की ना तो आय दोगुना हुई है और ना ही एमएसपी दी गई है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ना सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीलीभीत के मौजूदा सांसद वरुण गांधी का नाम लिए बिना बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने वरुण को चुटकी भी लिखी है। अखिलेश ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि थार से किसान आंदोलन को कुचला जाएगा, कई लोगों की जान चली जाएगी। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया, मंच पर भी जगह नहीं मिली। चिराग पासवान का मीसा भारती पर तंज। गया में शुक्रवार 12 अप्रैल को एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग ने मीसा भारती के पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके परिवार पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो पीएम के बारे में क्या बोलेगा। लोकतंत्र की आत्मा क्षेत्रीय दलों में बसती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार 12 अप्रैल को चुनाव प्रचार में जाने से पहले बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव क्षेत्रीय मुद्दे पर ही होगा, तभी विकास किया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान को लेकर तेजस्वी ने कहा कि ये लोग मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बिहार की समस्याओं, किसानों और नौजवानों के बारे में जिक्र किया। क्या 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 2014 में क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन कितना रोजगार दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। लोकतंत्र की आत्मा क्षेत्रीय दलों में बसती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाए कि दिल्ली का पैसा रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती। आज भी अगर चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल फिर से जीत जाएंगे। जनता बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर नहीं बिठाना चाहती। 2015 और 2020 के चुनाव में बीजेपी का बुरा हाल हुआ है। वेश्यावृत्ति के लिए पैसा देना क्राइम। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देह व्यापार मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों के विरुद्ध दायर एक याचिका निरस्त कर दी। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि वेश्यावृत्ति के लिए भुगतान अपराध की श्रेणी में आता है। अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य है कि याचिकाकर्ता ने वेश्यावृत्ति के लिए राशि का भुगतान किया था। याचिका जबलपुर निवासी ऋषभ की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गोरा बाजार पुलिस ने उसे वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया था। कमलनाथ के गढ़ में वाहन से 5,00,000 कैश जब्त। मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। मतदान तारीखों को नजदीक देख जहां राजनीतिक दल अलर्ट है वहीं प्रशासनिक टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। छिंदवाड़ा में एफएसटी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान कांग्रेस नेता की गाड़ी से 5,00,000 रुपए व चुनावी सामग्री जब्त की है। इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर चुनाव में पैसे और शराब बांटने का आरोप लगाए हैं। बीसापुर में कांग्रेस नेता के वाहन से कैश बरामद होने के बाद राजनीति चरम पर है। विक्रमादित्य सिंह पर कंगना रनौत का पलटवार। बीजेपी की मंडी से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने आज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीफ खाने के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि कुछ तो प्रमाण होगा तो कहते हैं कि छोड़ो, हमें आपके खाने पीने से क्या लेना देना। विक्रमादित्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें राजा बाबू छोटा पप्पू क्या बोल दिया तो उन्होंने तो मुंह फुला लिया। 15 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। झारखंड के चाईबासा से एक अच्छी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों पर वहां की पुलिस और सीआरपीएफ की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच एक नाबालिग नक्सली और 15 कुख्यात नक्सलियों ने मुख्यधारा से जुड़कर एक साथ चाईबासा पुलिस लाइन के सामने सरेंडर किया।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का कहना है कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी और मिसर बेसरा के शोषण से वे लोग लंबे समय से परेशान हैं। SBI ने आगे बढ़ाई अमृत कलश स्कीम की डेडलाइन। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर कई तरह की स्पेशल स्कीम लॉन्च करते रहते हैं। एक ऐसी ही स्कीम का नाम है SBI अमृत कलश FD स्कीम। इस स्कीम के तहत बैंक अपने ग्राहकों को 400 दिन की FD पर तगड़ा ब्याज दर का लाभ दे रहा है। अब इस स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही इस स्कीम की डेडलाइन को बैंक ने एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है। बैंक ने स्कीम की लोकप्रियता को देखते हुए यह फैसला किया है। वियतनाम की प्रॉपर्टी टाइकून को मिली मौत की सजा। वियतनाम से एक अनोखी खबर सामने आई है। यहाँ देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार प्रॉपर्टी टाइकून ट्रियोंग माइलैन को मौत की सजा सुनाई गई है। माइलैन पर ठगी का आरोप लगा गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने साइगोन कमर्शियल बैंक से 1,00,000 करोड़ रुपए ठग लिए। ऐसा उन्होंने 11 साल में किया। वियतनाम में लैंड का नाम काफी मशहूर है। वे देश की बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी वॉन थिन फैट की चेयरवुमन है। माइलैन को साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर फ्रॉड के साथ बैंकिंग नियमों का उल्लंघन और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। ईद पर पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी। ईद उल फित्र के मौके पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को खुशखबरी मिली है। सऊदी अरब ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसके लिए खजाना खोला है, जिसके तहत पाकिस्तान को $2 अरब की आर्थिक सहायता मिलेगी। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी जमा को $2 अरब तक बढ़ाने की बात कही गई है। मतलब साफ है कि यह मौजूदा रकम $3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब कर दी गई है। डॉक्टर पर लगाए शारीरिक उत्पीड़न के आरोप। अमेरिका में एक डॉक्टर पर अपने मरीजों का शारीरिक उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगा है। 200 से ज्यादा महिलाओं और कई पुरुषों ने डॉक्टर पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि बोस्टन के डॉक्टर डेरिक टॉड ने अपने मरीजों की शारीरिक जांच के नाम पर उनके साथ छेड़छाड़ की और जिन जांच की जरूरत भी नहीं थी उन्हें किया। भारत आएंगे अमेरिका के NSA। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन अगले हफ्ते भारत आएंगे। इस दौरान वे भारत अमेरिका के रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अपने समकक्ष अजीत डोभाल और अन्य से मुलाकात करेंगे। वहीं हिंद प्रशांत और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के सहयोग पर भी चर्चा होगी। अमेरिकी कांग्रेस में उठा हिंदूफोबिया का मामला। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाओं और हिंदूफोबिया की कड़ी निंदा की गई है। इस प्रस्ताव को भारतीय मूल के कांग्रेसमैन श्री थानेदार ने पेश किया है। फिलहाल यह प्रस्ताव समीक्षा के लिए सदन की समिति के पास भेजा गया है। इससे पहले भारतीय मूल के सांसदों ने न्याय विभाग को चिट्ठी लिखकर भी हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों पर जवाब मांगा था। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका की तरक्की में अहम योगदान दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस वर्ग को पक्षपात का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेजों में हिंदू अमेरिकी छात्रों को चिढ़ाया जाता है, साथ ही उन्हें पक्षपात, घृणा अपराध और पक्षपाती अपराध का सामना करना पड़ता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।